तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है, मैं आ रखा हूँ अपने घर हिमाचल, और अभी हम जा रहे हैं मेरे सगे मासी के लड़के की शादी है, मतलब मेरे कज़न ब्रदर की शादी है। तो अभी आप देख सकते हो मैं रेडी वगैरह हो चुका हूँ प्रॉपर, अभी घर वाले सारे रेडी हो रहे हैं। मैं आपको एक बार घर का दिखाता हूँ। ये जो है ये कच्चा घर है, अंदर से इसके अंदर भी एक रूम है अंदर की तरफ। तो ये कुछ सीन ऐसा है, यहाँ से सारा कच्चा घर है मेरा, देख सकते हो आप। इस तरफ जो है इस तरफ वाला सारा पक्का घर है। ये तीन रूम जो है ये तीन रूम पक्के घर के हैं, और तीन रूम पक्के घर के और तीन रूम कच्चे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ का बैकग्राउंड देख सकते हो आप। पीछे का सारा व्यू देख सकते हो, ऐसा सारा पीछे का व्यू है। तो अभी हम फटाफट से रेडी हो रहे हैं, और भाई वगैरह सारे रेडी हो चुके हैं। ये लग क्यों नहीं रहा, तो इस टाइप का कुछ जुगाड़ होता है यहाँ पे कुंडियाँ वगैरह लाने का, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत कम आते हैं, हम मेन दिल्ली रहते हैं। तो अभी भाई वगैरह भी रेडी हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं शादी में। तो अभी फटाफट से निकलते हैं शादी में, और आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं यहाँ की शादी कैसी होती है। तो आज है डीजे नाइट, और कल होएगी, हाँ कल जाएगी बारात। तो अभी मम्मी वगैरह भी आ गए सामान वगैरह के लिए। चले मम्मी, हाँ अब चल रहे हैं हम शादी पे, चले। हाँ तो फटाफट से निकलते हैं। मम्मी जो है अपनी बहन से, मम्मी जो उधर चली गई है, मतलब मासी से, मासी के घर पे शादी है, तो मासी से के घर जा रहे हैं। तो अभी मम्मी मिल रही है अप्रोक्स 1.5-2 साल बाद मासी से, तो मम्मी बहुत खुश हैं। तो अभी फटाफट से हम पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। बाकी आप अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ ऊपर जाके, जहाँ मैं गाड़ी लगाता हूँ आप वहाँ का एरिया आपको दिखाता हूँ, वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। क्योंकि हमारा घर जो है वो रोड से काफ़ी नीचे आके है, रोड ऊपर ख़त्म हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, मतलब 100 मीटर नीचे आके है घर हमारा। तो फटाफट से हम ऊपर पहुँचते हैं और गाड़ी बाहर निकालता हूँ, और फिर हम चलते हैं शादी में। ये जो है मेरा हिमाचल वाला प्रॉपर घर का, देख सकते हो आप कैसा है। ये जो है यहाँ से एंट्रेंस है पहले घर की, पहला रूम ये है, उसके बाद एक रूम ये अंदर है जो छोटा रूम होता है, इसमें सामान जैसे दिल्ली के अंदर स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम का काम करता है छोटा वाला रूम। बाकी ये एक बेड है, ये एक बेड है, यहाँ पर एक रूम ये है, और ऊपर जाने के लिए भी है यहाँ से। अगर आप देखोगे तो किचन ऊपर बना होता है, आपको किचन दिखाता हूँ एक बार ऊपर चल के। ये देखो ये किचन बना हुआ है, ये पीछे का व्यू है हमारे, मतलब बैठने बैठने के लिए, यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ खाना वाना बनाते हैं हम, और ये हमने छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। बाकी नीचे एक और कमरा है कोने की साइड में, वो भी दिखा देता हूँ आपको। इस कमरे के साथ में भी इधर एक रूम है, उसके अलावा एक ये रूम है, इसमें हम सारा सामान रखते हैं, बेड वगैरह। और पीछे का व्यू भी आप देख सकते हो घर का, ये सारा पीछे घर का व्यू है। तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं घर से, सामान वगैरह सब कुछ ले लिया है। तो अभी देखो यहाँ से ऊपर जाने का पूरा रास्ता है, यहाँ से पूरा राउंड मार के वहाँ से लेफ्ट लेके ऊपर जाके गाड़ी लगाई होती है, वहाँ के पापा जा रहे हैं। अभी हम आपको मार्केट दिखाते हैं, यहाँ की तो मेन मार्केट है, जैसे दिल्ली या कहीं से बंदे जो भी आते हैं वो मेन बस स्टैंड है यहाँ का, तो वहीं पर सारी बसें रुकती हैं और वहीं पर मेन मार्केट है सारी। तो फटाफट से वहाँ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, मार्केट से एक दो सामान भी लेने हैं वो भी लेते हैं, फिर फटाफट से निकलते हैं मासी घर के लिए। हाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी 4 के आसपास, तो अभी यहीं पर बच चुके हैं। सो गाइस हम गाड़ी निकाल रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। Thank you.
फाइनली मार्केट के अंदर और मम्मी वगैरह चले गए हैं नीचे और हमने गाड़ी वहाँ जाके लगाई है पीछे जाके पार्किंग में। अभी हम कर रहे हैं मार्केट के अंदर एंटर। मम्मी ने छोटे मोटे सामान लेने थे तो मम्मी सीधा मार्केट के अंदर चले गए। अभी देखते हैं कैसी मुद्दे कैसी नहीं बनता। अभी जा रहे हैं हम ज्वेलर की शॉप पे क्योंकि तो मम्मी का जो नाक वाला होता ना वो ख़राब हो गया था, उसको सही करवाने के लिए मम्मी वहाँ पर गई है। अभी हम चल रहे हैं फटाफट से अंदर मार्केट में, उसके बाद आपको मिलवाते हैं। क्या लिया दिखाते हैं आपको। लो करवा लो, जिंदारी है तो। अच्छी लग रही है। अच्छी है नहीं। एक और दे। तो फाइनली गाइस यहाँ से निकल चुके हैं, देख सकते हो इसका व्यू देख सकते हो आप। अरे फटाफट से हम वहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि हो चुके हैं काफी ज्यादा लेट। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 5:33। अभी तो फटाफट से वहाँ से अगर पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी 6 बजे के आसपास तो वैसे अंधेरा हो जाएगा और यहाँ से कम भी 20-25 मिनट का रास्ता है वहाँ से घर का। तो फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं क्या प्रोग्राम है। हाँ बोलूँ क्या प्रोग्राम है फिर। डीजे पार्टी है, आज डीजे पार्टी है तो आज वहाँ जाके डांस करेंगे। अभी चल रहा फोटो सेशन। उधर हो जाना, उस तरफ हो जा थोड़ा सा। बस बस भाई तो बैठ गए हैं। चलो जी मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरे रंग दे लड़ाड़िया दे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी ओदा पंगे लगदे आ मु
A few moments later. चला 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 जिन्नी पर आंटी नानू साइड हुआ साइड कोई आई गया तो फाइनली गाइस घर पे पहुंच चुके हैं हम वापसी। शादी वगैरह जो थी पूरी आपको दिखा दी है। फाइनली यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस टाइम पे भी आप देख रहे होंगे, और मेरे को कोल्ड और कफ हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले मतलब ये मानोगे 3 दिन की शादी थी और तीनों दिन पूरा मतलब कंटिन्यूसली बारिश होती रही है, एक डेढ़ घंटे बाद बारिश होती रही है। अभी जो 1.5-2 घंटे पहले यहाँ पर मतलब ओले जो होते हैं ना बर्फ़ के जो बारिश में गिरते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं 1.5 घंटे तक, तो यहाँ पर ठंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। आपको पूरी शादी दिखाई मैंने, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग के साथ। बाय बाय टाटा। Die. What do you wanna move like that? Where you wanna